तो दिस पर्टिकुलर वेबसाइट इज मेड फॉर पीपल लाइक अस, ऐसे लोग जिन्हें कोडिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो वो इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए विद द नो कोड टेक्नोलॉजी और हम अपनी खुद की वेबसाइट विद इन अ फ्यू मिनट्स बना सकते हैं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट फर्स्ट. दिस हेयर इज अ नो कोड प्लेटफॉर्म. नो कोड प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमें कोडिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, सारा काम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाता है. अगर हम आज से 10-15 साल पहले चले जाए ना, तो हमने अगर किसी चीज़ के अंदर रंग डालना था तो उसके लिए हम HTML के अंदर कोड करते थे, याद है हम लोगों को. अब हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम उसको सिंपली ये किसी कलर के थ्रू पिक कलर पिकर के थ्रू कलर चेंज कर सकते हैं. अब इसने वही काम हमारे लिए वेबसाइट मेकिंग में आसान कर दिया है. अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कोडिंग के लिहाज से, हम सिंपली उसको बता सकते हैं हमें क्या चीज़ चाहिए, उसमें क्या प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी क्या प्राइसेस क्या, उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, और सिर्फ हम उसे डेटा फीड करके अपने लिए एक नई अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं. यहाँ तक हम सब दोस्तों को बात समझ में आ रही है? यस सर. परफेक्ट परफेक्ट. ओके, तो इसके अंदर काम कैसे चलता है मैं उसको पहले ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम अपनी एक दो वेबसाइट बना के उनको प्रैक्टिस करेंगे. ये बेसिकली 5-step काम होता है. स्टेप नंबर 1 होता है कि आप एक की गूगल शीट के अंदर अपना नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइसेस कर देते हैं. उस डेटा को फिर आप इसके अंदर फीड करते हैं, वो डेटा आपस में कनेक्ट होता है, उसका डिज़ाइन कस्टमाइज किया जाता है, आपकी वेबसाइट से पावरअप होती है, और फिर आप वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हो. नाउ लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट. In order to do that, all we need to do is open this website and click on try for free. After we do that, it will ask us to register with it. So what, how we'll do it, it's very simple and easy step like we have done for so many other accounts. आपने उसके अंदर Google के account को login करना है और लो जी आपका काम चल गया. चूँकि मैं ऑलरेडी गूगल के साथ रजिस्टर्ड हूँ, तो इसने मुझसे पूछा नहीं, अदरवाइज़ ये मुझसे कहता कि सर काइंडली अपना गूगल की आईडी क्रेडेंशियल्स वगैरह दें, और फिर हम उसके जरिए लॉगिन करते हैं. यहाँ से तक हम सब दोस्त साथ साथ हैं, किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? नो. परफेक्ट परफेक्ट. नाउ एज यू कैन सी मैंने 2 वेबसाइट्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं, और मेरे पास टोटल कैपेबिलिटी है 6 वेबसाइट्स की, कि मैं 6 वेबसाइट्स तक इसके अंदर बना सकता हूँ. उसके बाद फिर अगर मैं ज़्यादा वेबसाइट बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा. चलें, लेट्स स्टार्ट विद अनदर फ्री वेबसाइट. आई विल क्लिक ऑन न्यू वेबसाइट. अब ये मेरे पास ऑप्शन ला देंगे सर. आई गेस समवन जॉइंड अ क्लोज. ओके, लेट्स गेट बैक. ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस दैट वी आर गेटिंग करंटली इन आवर वेबसाइट. और इसको मैं ओके, सो दीज आर द करंट ऑप्शंस वी हैव फॉर एफिलिएट वेबसाइट्स. ये टेम्पलेट्स के अंदर आपके टेम्पलेट्स जो ट्रैवल एजेंसी, कम्युनिटी सेंटर शेड्यूल, वीडियो कैटलॉग, डेंटल क्लिनिक डायरेक्टरी, अपैरल स्टोर, ऐसा के डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं. आपको जौन सी जिस तरह की वेबसाइट चाहिए आप उस टेम्पलेट को यूटिलाइज करते हुए अपने लिहाज से कम्प्लीटली मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, अब नाउ लेट्स से कि मैंने और खान साहब ने मिलके एक टी शर्ट्स का स्टोर बनाना है. ठीक है, यहाँ पे मैंने और खान साहब ने मिलके एक ये जो होती हैं आईटी गैजेट्स उनका स्टोर बनाना है. ओक्यूलस प्रोडक्ट्स पे मैं आऊँगा और यहाँ पे यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा. वैसे मैं व्यू पहले कर सकता हूँ, देख सकता हूँ ये कैसा लगेगा, बट चूँकि हमें पता हमने क्या बनाना, तो मैंने सीधा यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अब हमें हमारे जो वेबसाइट है ये विद इन अ फ्यू मिनट्स उसके डेटाबेस क्रिएट करेगा, उसका टेम्पलेट लोड करेगा, टेम्पलेट इंस्टॉल करेगा, और एक कस्टम डोमेन बनाएगा और हमें दे देगा, भैया ये लें आपकी कस्टम डोमेन, कस्टम वेबसाइट इसे अपने लिहाज से चेंज कर लें. अब ये आप अगर गौर करें तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इनके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, प्रोडक्ट की प्राइसेस लिखी हुई हैं, उनकी डिटेल्स लिंक्स दी हुई हैं. अब इन सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, और सब को मॉडिफाई करने के लिए हमें कोई कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है. हम सिंपली एडिट गूगल शीट पे क्लिक करेंगे और वहाँ से डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं. इतना सिंपल है ये. अब हम इसको करेंगे भी, बट यहाँ तक हम सब दोस्तों को बात समझ में आ रही है कि हमने क्या बात कर रहा हूँ मैं? यस सर. परफेक्ट परफेक्ट. चलिए लेट्स स्टार्ट विद समथिंग. Let's see if we can change this product here.
नाउ इसकी प्राइस है 499। अब इस महंगा हो गया तो हम इसे करने वाले हैं 699, ठीक है। तो आई फर्स्ट थिंग आई डू इज आई क्लिक ऑन एडिट गूगल शीट। व्हेन आई क्लिक ऑन एडिट गूगल शीट अ न्यू पेज विल ओपन विद द डेटा ऑफ आवर प्रोडक्ट। नाउ वी कैन सी दैट ओल्ड डेटा इज लिस्टेड हियर, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल चेंज वट एवर डेटा वी नीड टू चेंज एंड वी विल सेव इट फ्रॉम हियर एंड द डेटा वुड बी लाइव। ओके परफेक्ट परफेक्ट। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। हमने प्राइस चेंज करनी है तो सिंपली हम यहाँ पे डबल क्लिक किया, चाय की जगह लिख दिया 699। और लो जी मुबारक हो, हमारी प्राइस चेंज हो गई है। मुश्किल था? इजी था ना? नो। गुड, यस परफेक्ट परफेक्ट। ओके तो अब हमने कुछ और चेंज करना है। लेट्स से कि अभी हम जो लिंक दी हुई है, हमने अमेज़ोन की लिंक दी हुई है कि भाई ये अमेज़ोन पे यहाँ प्रोडक्ट है, बट हमें जो है अब्दुल भाई की, अब्दुल खान साहब की जो वेबसाइट है ना उसकी लिंक देनी है क्योंकि हमें वहाँ से कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस लिंक को कर देंगे डिलीट। भैया जाओ यहाँ से, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लिख देंगे khansaab.com/question मैंने कि जो भी लिंक है वो हमने डाल दी। और लो जी ये अब जब उस पर क्लिक करेगा आइंदा के बाद तो वो खान साहब की वेबसाइट भी हो जाएगा। समझ में आई बात हमें? यस सर। गुड, आगे चलते हैं। आगे इसकी ये इमेजेस हैं जो इमेजेस लोड हो रही हैं। अगर आपने ये इमेजेस नहीं लगानी है लेट्स से फ्रॉम गूगल तो आप इसे अपनी जगह से कोई और तस्वीरें भी दे सकते हैं या आप इधर डायरेक्ट इमेज भी फीड कर सकते हैं। इट्स सिंपल एज दैट। ये बात भी समझ में आ गई हम सब दोस्तों को? यस सर। गुड, अभी तक हमने सीख लिया कि करंट प्रोडक्ट्स को कैसे मॉडिफाई करना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं हो खान साहब मिलते हैं और हम कहते हैं यार ये तो सही हो गया बट मैं एक नया प्रोडक्ट लेकर आना चाहता हूँ मार्केट में जिसका नाम होगा iPhone 15। उसको हम कैसे डालेंगे? नो इंटरव्यू ही, हम 10वीं इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ पे जाके लिखते हैं भैया iPhone Apple Pro Max 8GB 128GB प्राइस दे देता हूँ मैं इसकी 1099। अच्छा इसकी कंडीशनिंग नहीं हुई तो इसको कंडीशनिंग दे देते हैं, कंडीशन ठीक हो गया। अच्छा इसको हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, दिस इज अ वेरी गुड फोन, आई लाइक इट वेरी मच। जैसे बचपन में लिखते नहीं थे ऐसे, उतना अगर हम इस पर ऐसे लिख देते हैं I like it very much. I sold my kidney for it. Wow. अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर तो इस तरह हमने इसे इसके अबाउट डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ से कुछ डेटा फीड कर देते हैं जल्दी से। ये भी इसमें फीड कर देते हैं, ये भी इसमें फीड कर देते हैं। अभी हम इसमें चूंकि नई कैटेगरी डालना चाहते हैं, लेट्स से वी नेम इट एप्पल। अब होगा ये कि नई कैटेगरी तो पर शो होने लग जाएगा, इसको हम बेस्ट सेलर कर देते हैं। डिस्काउंट अगर देना है तो लेट्स से कि हम इस पर 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं तो इसको यहाँ से हम 10 कर देते हैं। कलर ब्लैक, बाकी की चीज़ें भी हम इसमें से कॉपी पेस्ट कर देते हैं जस्ट सो वी डोंट गेट एनी एरर। ये हमने एक प्रोडक्ट पूरा बना के यहाँ पे 10वें नंबर पे डाल दिया एप्पल का, ठीक हो गया। यहाँ तक हम सब दोस्तों से मैंने क्या क्या इधर किया है? यस सर। अब द क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड कि इस डेटा को हम लाइव कैसे कर देते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने जब भी आपने इसमें कोई शीट में चेंजेस करने हैं इसके बाद आपने इस वाले पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपने दबाना है सेव वाला बटन, दबा दिया। यस सर।
वेबसाइट वॉज अपडेटेड सक्सेसफुली का बटन आ जाएगा। आफ्टर यू डू दिस उसके बाद आपने पब्लिश बटन दबाना है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी खुद की डोमेन लगा दो। लेट से कि अगर हमने कोई अपनी डोमेन खरीदी होती लेट से buyonlinemobile.com तो हम वो अभी कनेक्ट करते बट चूँकि हमने अभी कोई इस तरह काम नहीं करना बस हम इसको डेक पब्लिश कर देंगे। सेव किया, ये वेबसाइट हमारी लाइव हो गई है पब्लिश, ये लाइव हो गई है द वेबसाइट इज पब्लिश। हम यहाँ से इसको डेक ओपन भी कर सकते हैं। ये जो हमने वैसे बनाई थी वो लाइव हो गई है। ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं अब इसकी प्राइस 699 आ रही है 699 और नीचे हमारा एप्पल आईफोन भी आना चाहिए। ये आ गया हमारा आईफोन एप्पल प्रो मैक्स जिसकी फ़ोटोज़ गलत आ दी हैं क्योंकि हमने लगाई गलत हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है दिस इज़ अ वेरी गुड फ़ोन आई लाइक यू वेरी मच आई सोल्ड माई किडनी फॉर दैट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने नहीं सही हक तो नहीं, आपने प्रॉपर काम करना है। बात समझ में आ रही है दोस्तों को? यस सर। गुड, अभी तक कोई क्वेश्चन कोई बात ऊपर से गई हो कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ लें आप लोग काइंडली। सर इसमें जो डोमेन लगाई है आपने वो डोमेन बनाना सिखाएंगे हमें? मैं आपको सिखा सकता हूँ, बिल्कुल सिखा सकता हूँ बट उसके लिए आप लोगों को पैसे पे करने पड़ेंगे क्योंकि फ्री की डोमेन ही लगेगी, इसे पेड डोमेन लगेगी। अब मैं आपको मुफ्त वाला काम अब जैसे सिखाया है कि जो चीज़ें मुफ्त में कर सकते हैं आप इसमें बेसिकली डोमेन भी लगा सकते हैं, आप इसमें अल्लाह भला के आप हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स बना सकते हैं और इसमें कस्टमाइजेशन के बहुत ऑप्शन हैं जो कि अभी लिमिटेड है हमारे पास क्योंकि हम सिर्फ मुफ्त मुफ्त वाला काम कर रहे हैं इसमें, बट बिल्कुल हम वो भी कर सकते हैं। जी मिस यमुना, सर वो जो गूगल शीट में आपने एडिटिंग की ना, जी जी, तो वो जो इमेजेस वगैरह वो जो लिंक थे ना, जी मिस, तो वो आपने उसके साथ क्या किया है? मतलब वो जो आईफोन वाला था उसके हम समझ नहीं आई मतलब वो आपने ऊपर से ही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली मैं ये भी कर सकता था कि मैं जाता amazon.com पे, amazon.com पे मैं आईफोन को ढूंढता और आईफोन को ढूंढ के उसकी मैं तस्वीर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता, उसके लिंक्स यहाँ पे पेस्ट कर देता बट चूँकि मैं काम चोर था मैंने कहा इतनी मेहनत कौन करे आप लोगों को समझाना ही है तो मैंने सिंपली ऊपर वाले प्रोडक्ट की लिंक्स को कॉपी किया और आगे पेस्ट कर दिया। बट उसका जो असल तरीका है आप यूँ कर सकते हैं कि आप अमेज़ोन पर जाएँ, वहाँ पर जाके जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की तस्वीरें निकालें। लेट्स से आईफोन 15 हेलो उम्मीद है आ जाएगा। हाँ ये आ तो क्या है, लेट्स गो विद दिस वन, ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब ये इमेज की लिंक है, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, ये मैं प्रोडक्ट लिस्ट में गया। अब लेट्स से कि मैंने इसकी इमेज चेंज करनी है, ये इमेज, हाँ ठीक है, मेन इमेज यही है, इसके लिंक मैंने चेंज की है। अब मैं इसको यहाँ पे जाके पहले अपडेट करूँगा, सेव करूँगा, आफ्टर दिस इज सेव्ड ये जो एंड पे लिंक है इसकी में चेंज हो जाएगी, फिर मैं इसको पब्लिश करूँगा। उम्मीद है जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो मसला सॉल्व हो जाएगा। अब ये लोग देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे हमने आईफोन की फ़ोटो जो उधर से पकी थी वो इधर शो हो रही है। क्या हम दोस्तों के पास समझ में आ गई कि हमने इमेज कैसे चेंज करनी है? यस सर। यस सर। मैं ये एक अपनी लाइब्रेरी पिक्चर लगा सकते हैं डायरेक्ट मतलब वो करो ऑनलाइन ना? जी जी बिल्कुल, उसका तरीका भी है। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके इमेज इंसर्ट करें, इंसर्ट इमेज, इमेज इन, इंसर्ट इमेज इन अ सेल, अल्लाह वाला करे मेरा, अच्छा जी हाँ अल्लाह वाला करे कहाँ गया, बेसिकली हाँ इमेज इंसर्ट इमेज इन सेल, फिर जो इमेज आपने अपलोड कर आप डालेंगे उसी उस एरिया में शो होगी। अब मुझे अपलोड करनी पड़ेगी, आई डोंट थिंक आई हैव एनी गुड इमेज इन माय फोन, लेट्स से कि ये इमेज डालता हूँ मैं, ठीक है।
गुड। अभी जो इमेज है ये सेकंड नंबर पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, यहाँ पे जाके सेव किया, पब्लिश किया, इसको भी खोल के देखते हैं। उम्मीद है कि ये भी हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड इमेज नहीं गाइस, आपको इसकी लिंक ही डालनी पड़ेगी। वो जो एज इमेज है ना उसको पिक नहीं कर रहा है। पहले तो नाम किसी की वेबसाइट से कोई भी इमेज उठा के इसका लिंक इधर पेस्ट करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट आई वुड रेकमेंड कि आप Amazon, Google यहाँ पे इमेज है या जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ना उन वहाँ से इमेजेस लें, जहाँ से आपको पता ही है इमेज जो है हिलनी नहीं है, इधर ही रहेगी। आमतौर पर वेबसाइट्स जो होती हैं छोटे पैमाने की, उनका डेटा चेंज होता रहता है, तो इस तरह की चीज़ को ना पकड़ें। कोई बड़ी वेबसाइट को पकड़ें जिसका डेटा यूनिवर्सल रहेगा। यहाँ तो समझ में आ गई हम सब दोस्तों को? यस सर। बेहतरीन बेहतरीन। ओके तो गाइस अभी तक हमने जो काम किया अब ये सारा काम रिवाइज करेंगे हम, ठीक है। हम वन बाय वन इस वेबसाइट्स को चेंज करना सीखेंगे, मॉडिफाई करना सीखेंगे, और फिर अपनी नई वेबसाइट शुरू से आप लोग सब मुझे बना के देंगे विद इन हाफ आवर या लेट्स से 20 मिनट्स। मुझे वेबसाइट बनाने में वैसे कितना टाइम लगा, आप लोगों को आइडिया है? 5 to 10 minutes। या एग्जैक्टली, एक्चुअली नॉट इवन 10 minutes, इट वॉज अराउंड 8 minutes। और ये भी मैं इसलिए इतना टाइम लगा क्योंकि मैं आप लोगों को साथ साथ एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था। तो इट्स वेरी सिंपल, आप लिटरली 5 to 10 minutes में एक नई वेबसाइट बना सकते हैं इसके अंदर, और ये बनाना बिल्कुल आसान है, कोई भी बंदा बना सकता है। ऐसे ही है जी सर। गुड परफेक्ट। ओके तो अभी तक हमने क्या चीज़ें सीखी हम उनके बाद जल्दी से याद कर लेते हैं। हमने सीखा कि हम प्रोडक्ट नया कैसे बना सकते हैं, नए प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे डाल सकते हैं, करंट जो प्रोडक्ट है उनको चेंज कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको जो सिखाया नहीं वो ये है कि ये डेटा कैसे चेंज करना है, ये डेटा कैसे चेंज करना है।